दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में ऐसे फंसे हैं कि पिछले 7 दिनों से वो एनसीबी की पूछताछ का सामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आर्यन खान की रिहाई ट्रेंड कर रही है। वहीं बॉलीवुड के भी कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो इस वक्त शाहरुख खान और आर्यन खान को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर ड्रग पार्टी करते एनसीबी ने आर्यन खान समेत कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। आर्यन खान से इस वक्त एनसीबी पूछताछ कर रही है। इस वक्त शाहरुख खान के लाडले को आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी जमानत पर सुनवाई होने वाली है। लेकिन इस बीच शाहरुख खान और आर्यन खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कोर्ट के बाहर शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से मिलते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो फेक है या फिर रियल, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा आप ये वीडियो देख लीजिए, किस तरीके से शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से कोर्ट के बाहर गले मिलते नजर आ रहे हैं। वीडियो में शाहरुख खान की तरह दिखने वाला ये शख्स ऑल ब्लैक आउटफिट में है। उसने पॉनिटेल बना रखी है और चेहरे पर मास्क पहना है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वो शख्स एक लड़के को गले लगाता है। लड़के ने ब्लू डेनिम जैकेट पहनी है। कुछ ऐसी ही आउटफिट पहने कुछ दिनों पहले आर्यन को भी देखा गया था। जो भी ये वीडियो देख रहा है यही समझ बैठा है कि वीडियो में शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन से गले मिल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वीडियो एकदम फेक है? जी हाँ दोस्तों, ये कोई शाहरुख खान या आर्यन खान नहीं, ये वीडियो बिल्कुल झूठा है। दरअसल ये वीडियो किसने क्रिएट किया है अभी तक ये नहीं पता चला है, लेकिन वीडियो में देखने पर साफ पता लग रहा है कि बिल्कुल शाहरुख खान की तरह दिख रहा है ये शख्स और आर्यन खान की तरह ही जैकेट पहने एक लड़का दिख रहा है, जिसमें ये दोनों गले लगते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इस वीडियो में दिखने वाले दोनों शख्स ना शाहरुख खान है और ना ही आर्यन खान। ये वायरल वीडियो फेक है, क्योंकि बिना कोर्ट की इजाजत के परिवार का कोई भी सदस्य आरोपी से नहीं मिल सकता है, वो भी पब्लिक एरिया में और बिना सिक्योरिटी के तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात यह है कि जब आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने कोर्ट से फैमिली मेंबर्स के लिए परमिशन ली थी, तो उसमें शाहरुख खान के मैनेजर पूजा डडलानी का नाम ही दिया गया था। वही सिर्फ आर्यन खान से मिल सकती थी। इसका मतलब यह है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, ये बिल्कुल फेक है।